नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा SVX के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि टाटा मोटर्स इंडिया के अंदर अपनी एक नई माइक्रो SUV लॉन्च करने वाला है, जिसे कि फिलहाल SVX कोड नेम दिया गया है। अब सबसे पहले कंपनी ने इसे 2019 के जेनेवा मोटर शो के अंदर इसके कॉन्सेप्ट को अनवील किया था। उसके बाद 2020 के इंडिया के अंदर ऑटो एक्सपो के अंदर इसके प्रोडक्शन रेडी कॉन्सेप्ट, जिसे कि SVX नाम दिया गया था, उसे अनवील किया गया था। अब इस SUV को कई बार इंडियन रोड पर टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया है, और इसे देखने पर लग रहा है कि इसका जो डिज़ाइन जो है रहेगा वो 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाई गई कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता रहने वाला है। इसके अंदर आपको इसका जो खास कर जो कि फ्रंट लुक है वो बिल्कुल टाटा हैरियर की तरह रहने वाला है। जैसे कि ऊपर की साइड आपको LED DRS और नीचे की साइड बम्पर के अंदर आपको हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ इसके टॉप वेरिएंट के अंदर आपको नए डिज़ाइन के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जिस SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, उसके कुछ नए स्पेस शॉट्स भी सामने लीक हुए हैं, उसे देखने पर लग रहा है कि टाटा SVX के अंदर आपको ऑटोमेटिक ड्राइव सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये टाटा SVX जो है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ देखी जाएगी। और इसके इंटीरियर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल के साथ ही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। इसका ओवरऑल जो लुक रहेगा वो इसके 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाई गए SVX कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ट रहेगा लगभग। और बाकी इसका जो नाम क्या रहेगा इसके बारे में तो कोई फुल डिटेल नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोग इसे टाटा हॉर्नबिल कह रहे हैं, कुछ इसे टाटा टिमेरो भी कह रहे हैं, लेकिन फाइनल इसका जो क्या नाम रहेगा इसे तो इसके लॉन्चिंग के टाइम ही पता चलेगा। जो टाटा SVX है ये टाटा की माइक्रो SUV, और इसके अंदर आपको केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, डीजल इंजन इस SUV के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें इसके लॉन्चिंग के बारे में तो सबसे पहले कंपनी इसे 2020 के ऑटो एक्सपो में ही लॉन्च करने वाली थी, लेकिन पिछले साल ही कोविड यानी कि कोरोना की वजह से इसकी जो लॉन्च है वो डिले हो चुका है। अब इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है कंपनी से 2021 के फेस्टिव सीजन तक टाटा मोटर्स इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा इसकी जो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम जो प्राइस रहेगी वो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 5 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप वेरिएंट की जो प्राइस है वो 12 लाख रुपये तक रहने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स एक और नई कॉम्पैक्ट SUV भी इंडियन मार्केट के लिए प्लान कर रही है, जो कि हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस कंपटीशन में भी लॉन्च करने वाली है। तो इसके बारे में जल्दी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद।